देना बात हो, लेकिन बात अगर कुरान से कहो और बात अगर मजबूत हो, बात अगर सच्ची हो, तो फिर आपको माननी पड़ेगी। और मैं कुरान की तरफ चलता हूँ। कुरान में तुमने मशहूर वाकया सुन रखा होगा कि जब जुलेखा को औरतों ने ताने दिए, ये कैसी औरत है कि अपने गुलाम पर मर बैठी। अगर चाहना ही था किसी शहजादे को चाहती, हमारा सर भी पकड़ से बुलंद हो जाता कि औरतों की चॉइस क्या होती है। अरे तू गुलाम पर मर बैठी, कुरान में है, अपनी तरफ से भी करा, कुरान में है। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين جب مصر کی عورتوں نے کہا کہ زلیخا کو اپنے غلام پہ مر بیٹھی उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, ये पागली हो गई। हाँ, अब भरने का तर्जुमा है, अपनी तरफ से ठोक रहा हूँ, आगे कुरान कह रहा है ये पागली हो गई। अकबर ना औरतें भी खुद पागली हुई जब ताने दिए ना औरतों ने कि तू किससे मर बैठी है, तो फिर वो बड़ी जहील थी, उसने मिस्र की सारी औरतों को अपने घर बुलाया। आओ दावत है, और दावत हो फिर दफ्तर खान की जिंस न आए, ये कैसे हो सकता है। वो दफ्तर खान की जिंस आई तो फिर जब सारे बैठ गए दफ्तर खान पे बैठ गए, जुलेखा ने फल फ्रूट सजाए थे, वो कुरान का नक्शा है। फलम्मा समियात बिमकरिहिन्न, फलम्मा समियात बिमकरिहिन्न अरसलत इलैहिन्न وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا کہ زلیخا نے دسترخوان سجائے، مصنبے لگائی، پلیٹیں سجائی، پھل فروٹ لگائے، اور ہر تھالی میں چھری چاقو بھی رکھ لیا۔ क्यों, जिसकी जो चॉइस है वो काटो और खाओ। सारी दस्तरखान की जिंस बैठ गई। अब फल काटने के लिए उन्होंने एक हाथ में फल उठाया है, दूसरे हाथ में चाकू उठाया है, फल काटने बैठी है। जुलेखा बड़ी जहीन थी, होशियार थी कि ताना देने वालियों को पता चलेगा मैंने किससे मोहब्बत की है। फल काटने बैठी तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा, यहाँ से गुजर जाइए, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से गुजर जाइए। वो नबी थे, नीची निगाहों से गुजर गए, लेकिन जब उन औरतों की निगाह पड़ी ना यूसुफ पर, तो कुरान कहता है फलम्मा राइनहु अकबरना, उन्होंने देखा तो गौरी होगी। हाँ, ये करना आपको खाली भाषा में, फलम्मा अकबरनहु, वो होश खो बैठी। फलम्मा राइनहु अकबरना, वो खत्ताना अइदिया हुन, उन्होंने हाथ काट डाले, काटनो छेदो काट दिया हाथ। पता ही कौन डाले हो, बेरा ही मत पड़े, क्यों पता नहीं चला, यूसुफ के हुस्न में खो गई, अपने जख्मों का एहसास भी नहीं हुआ। अरे यूसुफ तो ये मखलूक है, अरे ये यूसुफ को हुस्न अल्लाह ने दिया है, वो मालिक वो खालिक जिसने यूसुफ को इतना हसीन बनाया है, वो खुद कितना हसीन होगा। लेकिन जब शहीद कोई शहीद होता है तो खुदा उसको अपना दीदार करवाता है, तो जो यूसुफ को देखे उसको जख्मों का एहसास न हो, तो खुदा को जो देखे वो अपनी जख्मों का एहसास उसको कैसे होगा। इसलिए नबी ने फरमाया, जब कोई शहीद शहीद होता है तो उसको इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी के मक्खी के काटने पर तकलीफ होती है। नबी ने फरमाया, जब कोई शहीद शहीद होता